नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। आज 31 अक्टूबर है और शाम के 7:30 बज रहे हैं। मार्केट स्टैम्प ऑफ है। मार्केट ऑफ होने के बाद CG पावर के अंदर जो रिजल्ट आया उसका क्वार्टर वाइज उसको समझते हैं कि उसमें अभी अप ट्रेंड है या सही समय से बाय करने के लिए इसमें अभी भी और अप ट्रेंड आएंगे ये भी समझते हैं। बताता हूँ किस लेवल पे आपको बाय करना है, किस लेवल तक आपको होल्ड करना है और क्या क्या टारगेट होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये मेरा आज के दिन का तीसरा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। ठीक है, पावर सेक्टर में जिस तरह से तेज़ी है तो हर सेक्टर की ग्रोइंग है और पावर सेक्टर की डिमांड जो पावर की बढ़ी है उसके बाद से हर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में चल रही है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस लगा के भी और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैंने CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की वेबसाइट ओपन कर रखी है। बेसिकली आपने CG पावर का नाम समझ चुके हैं, पावर सेक्टर की कंपनी है। CG पावर का जहाँ पे नाम आता है तो वहाँ समझ जाते हैं कि ये पावर सेक्टर की कंपनी है। तो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, स्विचेस गेयर ये और तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर एंड स्विच गेयर कंपोनेंट्स पे वर्क करती है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल को जो चाहिए होता है, हैवी वोल्टेज चाहिए होता है, वो सभी सप्लाई करते हैं। रेलवे कोचेस, एरोप्लेन कोचेस में भी पावर सप्लाई का इंडस्ट्रियल में सिस्टम में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन देती हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मोटर हाई वोल्टेज ये सब चीज़ों AC DC इन पर वर्क करती है ये सब चीज़ इनका। ठीक है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज़ों का, ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का इनका वर्किंग है। तो ये तो वर्किंग है CG पावर के, आपके बारे में थोड़ा समझा चुका हूँ बस, बाकी आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी का ओवरव्यू था कि कंपनी किस सिस्टम में वर्क करती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर वर्क करती है, पावर सप्लाई के अंदर, बाकी ट्रांसमिशन के जितने भी प्रोडक्ट हो छोटे मोटे इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है वो CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन का वर्क है। अब इसका ओवरव्यू समझते हैं, आज किस लेवल पर ट्रेड किया और आगे आने सही समय इसमें और भी बाय कर सकते हैं या नहीं ये भी समझाता हूँ मैं आपको। तो आज ये ओपन होता है 140 रुपये 40 पैसे पे हाई मारता है। देखिए 141 रुपये का हाई मारता है इसका 52 हाई तोड़ा इसने अपना, और लो मारता है 130 रुपये का। ठीक है, अब ये इसका 52 हाई हो गया 141 रुपये का, आज इसने तोड़ा अपना, और 52 लो है इसका 24 रुपये 40 पैसे का। तो अब इसका समझता है, आज ये 2.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है कि इसमें, क्योंकि इसमें आज इसका रिजल्ट आना था और रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया। ठीक है, अब समझते हैं इसमें सही समय बाइंग करने का। इससे पहले हम समझते हैं इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर बता दूँ आपको। तो ये मैंने CG मनी कंट्रोल पर ओपन कर रखा है। ठीक है, इसका जो इंडिकेशन आ रहा है वेरी बुलिश ट्रेंडिंग पर आ रहा है। ये देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम भी देखिए 41 लाख वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई इसके अंदर, यानी लास्ट 2 दिन से इसके अंदर हैवी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। देखिए, यानी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो रही है। 84% हमें एनालिसिस में बाय करने की, यानी 8% एनालाइजर बोले इसमें सेल करना, बाकी इसमें बाय करने के हमारे को रिकमेंड कर रहे हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग देख लेते हैं किस तरह से। इसे देखिए, प्रमोटर के पास है 52% है प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास है 29%, FIO DIS के पास है इसके अंदर होल्डिंग है। तो ये तो ओवरव्यू है शेयर का कि किसके पास कितनी है। तो FIO DIS का होने का मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें बुलिश है इसके अंदर, CG पावर के अंदर। समझ सकते कि आप एक साल के अंदर कितनी तेज़ी से भागा ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, 5 दिन के अंदर इसने 20% रिटर्न दिए, 6 मंथ में इन्होंने 38% रिटर्न दे दिया, 6 मंथ में 111% रिटर्न दिया, अभी तक इसने 213% रिटर्न दे चुका है अभी तक, और एक साल के अंदर आप इसने 450% का रिटर्न दे चुका है। ये पिछले एक साल से ही भाग रहा है जिस तरह से भागा है, क्योंकि पावर सेक्टर में जो डिमांडिंग बढ़ी है उसके तहत और जो कॉम्पोनेंट की जरूरत पड़ रही है, तो ठीक है इस वजह से इसमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जितने भी व्हीकल आएंगे उनमें भी CG पावर का एक रोल होने वाला है, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा डेफिनेटली। तो अब इसका ओवरव्यू और समझते हैं। ये देखिए, मैं इस स्क्रीन के साइड पर आ चुका हूँ। ठीक है, CG पावर का मार्केट कैप है 18,628 करोड़ का, ROC थोड़ा सा डाउन है, बुक वैल्यू भी बहुत डाउन चल रही है क्योंकि एकदम से ट्रेंडिंग पड़ा है और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। अब कंपनी के पास क्या क्या, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है और क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी, ये अच्छे प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर, समझते हैं। ये देखिए, आज इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट आया सितंबर का, सेकंड क्वार्टर का। ठीक है, ईयर वाइज सेकंड क्वार्टर का दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया। इसमें देखिए, इन्हों का जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 171 रुपये का प्रॉफिट, 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और ईयर वाइज देखेंगे तो सितंबर 2020 के अंदर
जो क्वार्टर रिजल्ट आते ईयर ईयर वाइज 56% 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं उसका 2 गुना हो गया ये, ठीक है। इसका EPS भी ग्रो हुआ है, लास्ट क्वार्टर इसके अंदर EPS 0.36 था, इस क्वार्टर में EPS 1.36 हुआ है, 1.39 हो गया है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा इसका, वहीं सितंबर के अंदर इसका 196 है। बाकी ईयर ईयर भी देखेंगे हम रिजल्ट, तो क्वार्टर क्वार्टर भी देखेंगे, दोनों ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, हाफ ईयरली भी चेक करेंगे तो भी इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा शेयर के अंदर, क्योंकि हर कंपनी की शेयर जो इन्वेस्टमेंट जो होता प्रॉफिट होता सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है उसकी ग्रोइंग। ये देखिए इसकी सेल भी बढ़ी है, इसकी क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल इसकी ग्रो हो रही है, ठीक है ना। कंपनी पे कर्जा भी अपना कम करे भी प्लस पॉइंट है। बाकी देखिए मार्च के अंदर इसने ये ईयर वाइज भी 2 ईयर से अच्छे प्रॉफिट मेकिंग का कंपनी दिखा रही है, लास्ट 2 ईयर से कंपनी अच्छा रेवेन्यू अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मुझे लगता है कि मार्च 2022 का जब भी रिजल्ट आएगा ईयर ईयर वाइज तो भी उसमें अच्छा प्रॉफिट मेकिंग दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से इसमें ईयर ईयर वाइज इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसका फाइनेंशियली हो गया, ये क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आपने समझ लिया है, ठीक है। इस क्वार्टर क्वार्टर भी इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, अच्छा रेवेन्यू अच्छा प्रॉफिट जनर हुआ है। ये देखिए ये मैं टिकट की साइट पर आ चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है इसने 72% का प्रॉफिट क्वार्टर टू के अंदर 72% का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना। ये तो इसका ओवरव्यू हो गया, उसका चार्ट पे समझता है क्या सपोर्टिंग मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। ये मैंने देखिए इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, इसका ये डेली चार्ट पे देखिए जो हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है ना वो स्टॉप लॉस लेके चलना है आपको 125 रुपये के स्टॉप लॉस से या 120 के स्टॉप लॉस से आप पैसे बाय करो पहली बात तो, क्योंकि जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो भी बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर गिरता है तो कोई बात नहीं, गिरावट में आपको डेफिनेटली खरीदना है। बाकी मुझे लगता है जिस तरह से रिजल्ट आया मार्केट ऑफ होने के बाद तो मैं जो टारगेट दे रहा हूँ मेरे को लगता है कि टारगेट एक से एक महीने के अंदर सारे टारगेट हिट होने वाले हैं, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट का इंपैक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये अपने 4 साल के अप ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस टाइम पे शेयर, ठीक है। 4 साल के अप मूव की तरफ है ये, यानी पिछले 4 साल से इस लेवल पे नहीं था शेयर, 4 साल बाद इस लेवल पे आ रहा है तो इसमें और भी डेफिनेटली अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो पहला जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें रखेंगे 120 का, देखिए इस कैंडल पर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, क्योंकि ये देखिए करेक्शन के बाद फिर से अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है। RSI MACD दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है, 70% से अप ट्रेंड पे है, RSI MACD भी अप ट्रेंड की तरफ है। तो इसमें पहला मेरा जो पहला टारगेट आएगा वो 150 रुपये का है, वो एक हफ्ते के अंदर या कल या परसों भी देखने को मिल सकता है आपको 150 रुपये का मेरा पहला टारगेट है जो, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें 120 का रखना है, पहला टारगेट 150 रुपये का है, दूसरा टारगेट 155 का, तीसरा टारगेट 160 रुपये का। वो समझाता क्यों, अब देखिए मैं इसमें वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये वीकली चार्ट पे देखिए आपको दिखाता हूँ किस किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए थोड़ा सा क्लोज करेंगे हम इसको, ये देखिए किस तरह से हम बॉटम बन रहा है, ये 4 साल के अप ट्रेंडिंग पे शेयर है। देखिए वीकली चार्ट पे कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, इस कैंडल के बाद से ही इसमें अब ट्रेंडिंग आया, क्योंकि ये कैंडल गिरावट के साथ हुई, इसमें नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ा था, उसके बाद से इसमें गिरावट हुई थी। तो अब इस लेवल पे ये देखिए 14 मार्च 2016 में इसमें गिरावट हुई थी, उसके बाद से ये 140 के लेवल को टच नहीं किया उसके बाद से। अब ये 4 साल बाद फिर अपने इस लेवल को टच कर रहा है, ठीक है। टच करने के बाद इसमें अब ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें जो 200 तक के लेवल दिखाया गया, तो यहाँ पे जो कैंडल हैं उन पर सपोर्ट लेगा, उन सपोर्ट के बाद ये डेफिनेटली अप ट्रेंड दिखाएगा आपको। ये देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, इस टाइम पे इस कैंडल को पूरा करेगा ना तो 170 तक के लेवल देखेंगे। तो मेरा जो टारगेट है 160 तक का है, 160 के बाद इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को और मिलेंगे आपको। तो पहला टारगेट 150 रुपये का, दूसरा टारगेट 155, तीसरा टारगेट 160 रुपये का। इन 3 टारगेट का बाय करिए, बिजनेस बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।